महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसके तहत हम लोगों ने राज्य के गवर्नर को अपना ऊपर वाला दावा पेश कर दिया है और हमें 29 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने समय भी दिया और 29 तारीख को शपथ ग्रहण होगी और इसको लेकर के आज हम कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के यहाँ उनको निमंत्रण देने के लिए आए थे। राहुल जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है और 29 तारीख को ये लोग भी उस हमारे बोध सेरेमनी में शामिल होंगे। हमें उन्होंने आश्वासन दिया है। सर पीएम को भी इनवाइट करेंगे? अभी वो सब रहने दीजिए, अभी सरकार बनेगी सभी चीजें आपको पता चलेगा और हम गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 5 साल माइक लगा दूंगी और इसको लेके कहीं कोई हिचकिच नहीं है और जिस आशा आकांक्षा के साथ लोगों ने बहुमत दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर पीएम को इनवाइट करेंगे? पीएम को इनवाइट करेंगे शपथ ग्रहण में? पीएम को इनवाइट करेंगे शपथ ग्रहण में? सोनिया जी ने आने के लिए सहमति दे दी है कि वो शामिल होंगे, ये तो बात पक्का है। और इनके अलावा उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा है मैं देखती हूँ। सर प्रधानमंत्री को बुलाएंगे? कांग्रेस को डिप्टी सीएम ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल इन सबको भी इनवाइट किया है? मंजी सभी लोगों से हमारी बात हुई है, सभी लोगों ने बधाइयां दी है और अभी कौन कौन आएंगे वो सभी चीजें आप लोग को के समक्ष ऑफिशियली तरीके से। सर आप दिल्ली आए हैं, किन किन नेताओं से मुलाकात आपकी शेड्यूल है? सोनिया जी से आप मिल चुके, इसके बाद किन किन नेताओं से मिल सकते हैं आप? राज्य में भी अभी कई काम बाकी है और कई लोगों को बुलाना भी है, कई लोग अभी हम व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाएंगे और कई लोग आएंगे, आप देखेंगे एक भव्य इस परिवर्तन के वक्त लोग। सर पीएम को बुलाएंगे? सर पीएम को इनवाइट करेंगे क्या? प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे? प्रधानमंत्री को बता रहे शपथ ग्रहण में आने के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे? ऐसा है, जब चुनाव में हम चुनावी मैदान में थे तो देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भी कई मंत्री चुनावी मैदान में थे, हम लोग जरूर उनके विरुद्ध में चुनाव थे। वो सभी चीजें आप लोग को के समक्ष ऑफिशियली तरीके से। सर आप दिल्ली आए हैं, किन किन नेताओं से मुलाकात आपकी शेड्यूल है? सोनिया जी से आप मिल चुके, इसके बाद किन किन नेताओं से मिल सकते हैं आप? राज्य में भी अभी कई काम बाकी है और कई लोगों को बुलाना भी है, कई लोग अभी हम व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाएंगे और कई लोग आएंगे, आप देखेंगे एक भव्य इस परिवर्तन के वक्त लोग। सर पीएम को बुलाएंगे? सर पीएम को इनवाइट करेंगे क्या? प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे? प्रधानमंत्री को बता रहे शपथ ग्रहण में आने के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे? ऐसा है, जब चुनाव में हम चुनावी मैदान में थे तो देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भी कई मंत्री चुनावी मैदान में थे, हम लोग जरूर उनके विरुद्ध में चुनाव में थे और उस समय मैंने उनको देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में नहीं देखा था बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से चुनाव समाप्त हो गया है, आज वो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, हम उनको भी न्योता आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।